हेलो दोस्तों, आ गए हैं फिर से एक नए वैकेंसीज़ को लेकर के। तो यहाँ पर जो है बिहार कृषि विभाग की नई भर्ती जो है यहाँ पर जारी कर दी गई है, जिसका नोटिफिकेशंस भी जो है यहाँ पर आउट कर दिया है। जो कि इसका नोटिफिकेशंस मैं इस वीडियो के अंतर्गत जो है बताने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें होने वाली है, कब से कब तक फॉर्म फिल होगा, कब एग्ज़ाम होगा, सारी चीज़ें जो है इस नोटिफिकेशंस के अंदर मैं आपको बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा, ताकि जो है सारी चीज़ों को जो है आप समझ सकेंगे। और टोटल जो है यहाँ पर 1041 पदों पर जो है यहाँ पर बहालियां होने वाली है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ये नोटिफिकेशंस बिहार सरकार के ऑफिशियल साइट से जो है यहाँ पर जारी किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं बिहार सरकार के कृषि विभाग के अंतर्गत जो है यह बहालियाँ जो है आपको निकाली गई है। और इस नोटिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो ये नोटिफिकेशंस के लिए ऑफिशियल साइट जो है state.bihar.gov.in कृषि सिटीजन होम, जिसका ऑफिशियल जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, आप वहाँ से भी जा करके जो है इस लिंक के जरिए जो है आप नोटिफिकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं एवं जो है सारी चीज़ों को जो है यहाँ पर समझ सकते हैं। तो मैं बता दूँ यहाँ पर आपको कि आवेदन करने की जो तिथि दी गई है वो आपको 15/4/2023 तक, यानी कि 15 अप्रैल तक जो है आपका यहाँ पर फॉर्म फिल किया जाएगा। जो कि आवेदन पत्र विज्ञापन अभी जो है आपका ऑनलाइन अप्लाई हो नहीं रहा है, 1 से 2 दिन में जो है ऑनलाइन अप्लीकेशन लिंक जो है यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाएगा। तब से लेकर के जो है आपको 15 अप्रैल तक 5 बजे तक जो है आपको यह फॉर्म फिल किया जाएगा। दोस्तों, पहली पद जो है यहाँ पर निकल कर के आ रही है प्रखंड तकनीकी प्रबंध एवं आत्मा योजना अंतर्गत प्रखंड स्तर की बहाली, जो कि टोटल जो है यहाँ पर 288 पदों पर यहाँ पर बहालियाँ होनी है। जिसकी अगर हम योग्यता की बात करें तो योग्यता जो है आपको कृषि विभाग या उद्यान या कृषि या किसी भी चीज़ जो यहाँ पर दर्शाई हुई है, इसमें जो है आपको स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ जो है आपका कार्यानुभव जो है होना चाहिए, और तब जा करके जो है आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका वेतन जो होगा प्रखंड तकनीकी प्रबंधक का, वो समथिंग जो है 30,000 रुपये की आपकी यहाँ पर सैलरी होने वाली है। वहीं दूसरी पद की अगर हम बात करें सहायक तकनीकी प्रबंधक की है, जो कि टोटल जो है यहाँ पर 587 पदों के लिए जो है बहालियाँ निकाली गई है, और उसके लिए भी जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है सेम मांगा जा रहा है, लेकिन उसकी जो सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है 2,500 रुपये यहाँ पर सैलरी होने वाली है। तीसरी यहाँ पर जो है आपको पद आ रहा है दोस्तों लेखापाल की, जो कि टोटल 160 पदों की होगी, जिसके लिए जो आपको सर्टिफिकेशन जो है यहाँ पर बीकॉम मांगा जा रहा है, और उसकी जो सैलरी होगी वो आपकी 22,500 रुपये उसकी सैलरी होगी। साथ ही साथ चौथे पद की अगर हम बात करें तो आशुलिपिक सह लिपिक की यहाँ पर जो है आपको पद आ रहा है, जो कि 6 पदों के लिए यहाँ पर जो है नोटिफिकेशंस निकाला गया है, जिसमें आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ जो है आशुलिपिक एवं प्रमाण पत्र के साथ कंप्यूटर में 6 माह का जो है यहाँ पर डिप्लोमा होना आवश्यक है, जिसके लिए सैलरी भी आपको जो है यहाँ पर 22,500 रुपये जो है होंगी। तो ये आपको जो है यहाँ पर पद जो है 1041 पदों के लिए जो है यहाँ पर दोस्तों निकल कर के आ रही थी। उसकी उम्र सीमा की अगर हम बात कर ले तो प्रत्येक पद के लिए जो है अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पर निर्धारित की गई है, जो कि आपको यहाँ पर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष दिया गया हुआ है, अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 42 वर्ष दोस्तों दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया जो है ऑनलाइन की जाएगी, जो कि बमिति की वेबसाइट पर जाकर के जो है आप या फिर जो है दूसरा वेबसाइट पर जाकर के जो है आवेदन यहाँ से लिंक द्वारा जो है आप कर सकते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर 15 अप्रैल 2023 तक जो है आप लोगों का फॉर्म सबमिट किया जाएगा। दूसरी चीज़ें यहाँ पर जो है दी गई है कि आपका यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि 15 अप्रैल तक है, उसके बाद जो आपका ड्राफ्टलिस्ट शॉर्ट लिस्टेड जो बनाया जाएगा प्रकाशित किया जाएगा वो 18 अप्रैल को, उसके बाद जो है आपत्ति जताने का जो लिंक खुलेगा वो 22 से 23 अप्रैल को तक होगा, और उसके बाद आपत्तियों का जो है निस्तारण किया जाएगा वो 29 अप्रैल को, एवं आवेदन पत्र एवं प्रमाण पत्रों को जो है यहाँ पर डाउनलोड जो है 2 से 5 मई के बीच जो है यहाँ पर किया जाना। उसी तरीके से सारी प्रक्रिया वाइज करते हुए जो है लास्ट जो है आपका दावे एवं आपत्तियों का निराकरण 3 जून 2023 तक जो है यहाँ पर किया जाना है, जो कि टोटल यहाँ पर जिला स्तर पर होने वाला है। तो ये इसमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ आ रही थी, जिसको मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया। बाकी यहाँ पर जो है टोटल 13 पेजों में जो है नोटिफिकेशंस को जारी किया गया है। तो इस नोटिफिकेशंस को आप जो है डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो है हमारे टेलीग्राम लिंक पर जो है डाल दिया गया है, आप वहाँ से भी जाकर के इस नोटिफिकेशंस को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।